नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकी फैशन बुटीक में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ कि अपनी चाक पर हम पाइपिंग किस तरह से लगा सकते हैं। बिना डोरी के यहाँ पे पाइपिंग लगाने का तरीका बताऊंगी, और वो भी अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर अपनी फिटिंग मैंने दे दी है, फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ही अपनी चाक पर पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे। तो इसके मैचिंग का कपड़ा मैंने इस तरह से सीधी पट्टी ले ली है एक। इसकी चौड़ाई यहाँ पे 1 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा है। तो आज आपको मैं बिना डोरी से यहाँ पे पाइपिंग बना के दिखाऊंगी। अगर आपको डोरी वाली पाइपिंग बनाना सीखना है तो कमेंट करके जरूर बताएं, उसकी भी वीडियो मैं बनाकर डाल दूंगी। तो आइए पाइपिंग लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इस तरह से हमने हमारी जो फिटिंग का निशान है, यहाँ से इधर हमारा कितना कपड़ा बच रहा है उसको नापते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये 2.5 इंच आ रहा है। तो इसी तरह से हम पूरी लंबाई में 2.5 इंच पर निशान लगा के यहाँ पे इस तरह निशान लगा लेंगे पूरी लंबाई में। तो इस तरह मैंने यहाँ पे निशान बना लिया है। इसी तरह हम और चाकू में भी निशान बना लेंगे। तो इस तरह निशान लगाने के बाद अब अपने मैचिंग का कपड़ा ले लेते हैं, और इसको देखिए इस तरह से डबल करके रखेंगे। और यहाँ पे जो इसका बंद हिस्सा है इस साइड, इसको हमें अपनी चाक के अंदर साइड रखना है, और जो खुला हिस्सा है चाक के बाहर साइड रखना है। तो बिल्कुल ये निशान से ऊपर हमें करीब 1 इंच ऊपर से इसको लगाते हुए लाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से बिल्कुल मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट से भी कम कपड़ा छोड़ा है, और बाकी यहाँ सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पे देखिए इस तरह जो हमारा बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको पहले एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरह से दोबारा फोल्ड करके अपनी जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर रखेंगे। जितनी हमें पाइपिंग बनानी है उतना कपड़ा छोड़ के इसके यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह सिलाई लगाएंगे तो इसको इस तरह पलटेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी पाइपिंग निकल आएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह मैंने कपड़ा पलट के सिलाई इसके किनारे किनारे पे लगा ली है। अब अपने देखिए इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई थी उस वाले हिस्से को इस तरह अंदर पलट लेंगे, और यहाँ पे देखिए हमारी सुंदर सी पाइपिंग बनके निकल आती है। इस तरह हमें यहाँ डोरी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और हमारी पाइपिंग भी निकल कर आ गई है। इसके ऊपर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेते हैं, बाद में यहाँ तुरपन हो जाएगी। देखिए इस साइड
तो इस तरह देखिए ये बिल्कुल गुम तरीके से लग जाती है, इस तरह अंडरग्राउंड पाइपिंग लगा लेते हैं हम, कहीं से भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बाहर नहीं दिखता है इस तरह लगाने से। दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। तो इस तरह से हमारी अंडरग्राउंड पाइपिंग यहाँ पे लग के तैयार हो चुकी है। तो देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही सफाई के साथ यहाँ पे पाइपिंग लगा के तैयार की है, कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट इसका बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसकी उल्टी तरफ इस किनारे पे हम हाथ से तुरपन कर लेंगे। बिल्कुल सफाई से हमने यहाँ पे पाइपिंग लगाई है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लगाना बताया है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।